देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन प्रखंड से है। लखीसराय चानन के माजरमा में ग्लोबल सी फूड अलियंस GSA के द्वारा साड़ी का हुआ वितरण। लखीसराय जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र महाजनमा में ग्लोबल सी फूड अलियंस GSA के द्वारा साड़ी वितरण शुक्रवार 10 जून को किया गया। बता दें कि GSA कंपनी के द्वारा करीब 70 से 80 साड़ी का वितरण किया गया। GSA के क्षेत्रीय प्रबंधक भरत साहनी ने बताया कि आज हम लोग जो साड़ी वितरण कर रहे हैं वो कंपनी के तरफ से था। यह कंपनी अमेरिका का है और भारत में सन 2020 में आया और गरीबों का उत्थान करने के लिए यह प्रेरित है। संस्था के मेंबर गगन चौहान ने बताया कि आज इस संस्था से जुड़ने में करीब 12,000 प्रतिदिन इनकम हो रहा है। उपस्थित मेंबर सिंटू कुमार, बलराम कुमार, ऋषि कुमार, रुपेश कुमार, विकास सिंह, मेघनाथ बिंद, श्री राम कुमार, संझा देवी, मोरनी देवी आदि ने इस साड़ी वितरण में अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाई। सबसे पहले आप नाम अपना बताएंगे? जी, मेरा नाम गगन कुमार चौहान है। जो अभी आप लोग यहाँ पे जो गरीबों के बीच आके जो वितरण किए हैं वो क्या चीज वितरण किए हैं? ये GS के माध्यम से वितरण किए हैं और GS कहती है कि सभी को परोपकार करिए, सभी की भलाई कीजिए। जो गरीब व्यक्ति है उसको आप जो भी है दान पुण्य कीजिए और अच्छा खासा काम कीजिए ताकि हम खुश रहे। जी, आप इससे आप कितना इनकम कमा रहे हैं? जी, हम तो सर 12,000 रुपया पर डे कमा रहे हैं। जी, कितना लगाए? हम तो लगाए मात्र अभी 1,00,000 रुपया लगाए, पूंजी इन्वेस्ट किए हैं और अच्छा खासा डेली कमा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी लोग बोलता है कि कंपनी भाग जाती, क्या सही बात है? जी नहीं, ये कंपनी ब्रांडेड है और अथोराइज्ड कंपनी है, ये कंपनी महान है। जी धन्यवाद। अभी आपने जो गरीबों के बीच जो सारी वितरण किए वो कौन सी कंपनी से थी? GSA ग्लोबल सी फूड एलएल। ये कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी? अमेरिकन कंपनी है, ये हमारे देश में 2020 में प्रवेश किया है। ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है, इसका टक्कर में कोई भी कंपनी अभी तक नहीं आया है और नहीं आएगा। अच्छा, इसका GSA का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सी फूड एलायंस। आप यहाँ का क्या है? क्षेत्रीय प्रबंधक है। आपका नाम? शत्रुघ्न कुमार साहनी। सुनने में आता है कि जो GSA कंपनी है वो गरीबों को उत्थान के लिए, सही बात है? जी बिल्कुल सही है सर।